नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल अनिसराज में। दोस्तों आज के वीडियो में हम वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का नक्शा हाउस डिज़ाइन बताने वाले हैं, जो कि 35x41 फुट का है, जो 1435 स्क्वायर फुट का ये घर का शानदार वास्तुशास्त्र को ध्यान में रख के बनाया गया है 2 BHK। दोस्तों यह हाउस प्लान आपका ईस्ट फेसिंग है, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो फ्रेंड 35 फुट इसका चौड़ाई हो गया और 41 फुट इसका लंबाई हो गया, ठीक है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार यह घर को डिजाइन किया गया है 1435 स्क्वायर फुट में। तो आपका ईस्ट फेस है, ठीक है, ईस्ट फेस फेस हाउस है। आप बोलेंगे ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, तो वीडियो में बने रहें, हम सारा चीज़ बताएंगे। एक एक जो डिज़ाइन किया गया है रूम का, दरवाज़ा का, वो वास्तुशास्त्र के ध्यान में रखते हुए दिशा हमने डाला है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और हम एक एक चीज़ पे बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोस्तों ये दिशा है वास्तुशास्त्र के अनुसार जो हमने बताया है, ये आपका ईस्ट फेस है और नॉर्थ फेस है और ये आपका साउथ फेस है और ये आपका वेस्ट फेस है, ठीक है। ईस्ट फेस्ट हाउस है ये। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका ये जो एरिया है, ये एरिया में आप दो चीज़ बनवा सकते हैं। एक तो आप पोर्च डिजाइन करवा सकते हैं और दूसरा आप बैठने वाला काफ़ी ज़्यादा बड़ा सीट आउट जगह बनवा सकते हैं, ठीक है। दो चीज़ इसमें आएगा। तो इसका जो एरिया है 22 फुट बाय 10 फुट का एरिया है, तो 22 फुट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया और 10 फुट इसका लेंथ हो गया और ब्रेथ आपका 22 फुट है। अब बात कर ले हॉल का, तो इसमें दोस्तों हॉल प्लस डाइनिंग दोनों डाला गया है, हॉल प्लस डाइनिंग इसमें दोनों डाला गया है। तो इसका अगर साइज का अगर बात कर ले दोस्तों, तो 21 फुट 9 इंची गुने 17 फुट है, तो 17 फुट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया चौड़ाई और 21 फुट 9 इंची आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। इसमें आप डाइनिंग हॉल दोनों बनवा सकते हैं, ठीक है। अब बात कर ले ये बेडरूम का, तो बेडरूम का दोस्तों साइज है 16 फुट गुने आपका 11 फुट है और दोस्तों ये आपका मेन दरवाज़ा है, MD है, ठीक है। अब बाद में हम वेंटिलेशन खिड़की के ऊपर भी बात करने वाले हैं, तो ये मेन दरवाज़ा था। और दोस्तों इस बेडरूम का ये आपका डोर है, दरवाज़ा है, तो दरवाज़ा का दिशा भी रखा गया है, आपका देख सकते हैं नॉर्थ की ओर ये दिशा है दरवाज़ा का, बेडरूम का। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। अब बात कर ले टॉयलेट का, तो टॉयलेट का दरवाज़ा आपका ये है, अटैचमेंट है। तो साइज का अगर हम बात कर लेंगे, तो साइज आपका 5 फुट गुने 5 फुट 6 इंची का रखा गया है, तो 5 फुट आप इसका चौड़ाई हो गया और 5 फुट 6 इंची आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया टॉयलेट। अब बात कर ले ये पैसेज है, जगह छूटा हुआ है, तो इसका साइज क्या है, तो दोस्तों इसका पैसेज का साइज का अगर बात कर ले, तो 5 फुट चौड़ाई है और 5 फुट 9 इंची इसका लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई है, 5 फुट इसका चौड़ाई है। अब बात कर ले ये बेडरूम का, तो पैसेज के बगल में आप कहीं भी किसी कॉर्नर पे बेसिन लगवा सकते हैं, हैंड बेसिन हो गया, माउथ बेसिन लगवा सकते हैं। अब बात कर ले बेडरूम सेकंड का, इसको पहला बेडरूम बोल देंगे और ये बेडरूम सेकंड है, तो इसका साइज का अगर बात कर ले, तो 11 फुट बाय 16 फुट दोनों का सेम ही है साइज, तो 11 फुट इसका चौड़ाई हो गया और 16 फीट इसका लंबाई हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बात कर ले इसमें भी अटैचमेंट है टॉयलेट का, तो टॉयलेट का जो साइज है दोस्तों 5 फुट गुने 4 फुट 6 इंची रखा गया है, तो 4 फुट 6 इंची इसका चौड़ाई हो गया और 5 फुट इसका ये लंबाई हो गया टॉयलेट का। अब बात कर ले
सबसे पहले ये रूम का बात कर लेते हैं। ये किचन रूम है, तो किचन रूम आप इस साइड चूल्हा वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका साइज़ का अगर बात कर ले तो 11 फुट बाय 11 फुट का किचन रूम का साइज़ है। और ये स्टोर रूम है, स्टॉक या स्टोर बना सकते हैं किचन के लिए। तो इसका अगर साइज का बात कर ले तो 5 फुट 6 इंची × 4 फुट 6 इंची का है, ठीक है दोस्तों। 5 फुट 6 इंची × 4 फुट 6 इंची का है। तो ये इसका चौड़ाई आपका हो गया 5 फुट 6 इंची और इसका जो लंबाई है 4 फुट 6 इंची है, ठीक है। और अब बात कर ले सीढ़ी का, तो स्टेयर का जो साइज़ रखा गया है आपका दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक साइज़ का अगर बात कर ले तो 13 फुट का है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर बात कर ले दोस्तों तो 9 फुट 6 इंची का रखा गया है। अब हम बात कर लेंगे कि कॉलम कहाँ कहाँ लगेगा और आपका विंडो कहाँ कहाँ लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर ले कॉलम कहाँ कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले कॉलम का अगर बात कर ले तो एक कॉलम आपका यहाँ पे लगेगा और एक कॉलम दोस्तों आपका यहाँ पे लगेगा और एक कॉलम आपका यहाँ पे लगेगा। एक कॉलम का आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं और एक कॉलम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एक कॉलम आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है, और एक कॉलम यहाँ पे डालना है और एक कॉलम आप यहाँ डालेंगे और दूसरा कॉलम यहाँ डालेंगे और एक कॉलम आप यहाँ डालेंगे और एक कॉलम आप सीढ़ी के लिए 4 कॉलम ज़रूरी ही होता है, डालना चाहिए 4 कॉलम कम से कम सीढ़ी के लिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये इस टाइप का कुछ डिज़ाइन था। और आप चाहते हैं इस टाइप का डिज़ाइन बनाना वास्तुशास्त्र के अनुसार तो बनवा सकते हैं। एक कॉलम आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। आप बात कर ली विंडो कहाँ कहाँ डलाएगा, तो विंडो आपका यहाँ डलाएगा, विंडो यहाँ डलाएगा। वेंटिलेशन टॉयलेट में 1 फुट बाय 1 फुट का स्लाइडिंग वाला ग्लास यहाँ लगाएगा और विंडो यहाँ लगाएगा। वेंटिलेशन ये हो गया। आप चाहते हैं तो किचन में भी आप यहाँ पे खिड़की डाल सकते हैं, विंडो डाल सकते हैं, ठीक है। और स्टेयर में भी चाहते हैं तो छोटा सा आपके पास अगर इस साइड स्पेस है, ओपन है, तो डाल सकते हैं यहाँ पे विंडो, ठीक है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ये प्लान था। उसमें आप लोग को कैसा लगा ये प्लान, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।